चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये मुकाबला कहाँ होगा? ईडन गार्डन्स में, और शाम का मुकाबला होगा संडे डबल हेडर का, यानी 7:30 बजे। महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस यंग नितीश राणा। महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ इतने एक्सपीरियंस्ड कप्तान, मतलब इतने सक्सेसफुल कप्तान भारतीय टीम के और वगैरह वगैरह, सीएसके के भी ज़बरदस्त सक्सेसफुल कप्तान है। अब नितीश राणा तो खैर नए हैं, अब उनके सामने देखना होगा, उनकी रणनीति के सामने क्या नितीश राणा की रणनीति जो है टिक पाएगी, क्या खड़ी हो पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे पिच और वेदर कंडीशंस की, ईडन गार्डन्स की। शाम का मुकाबला है और पिच की बात करें तो पिच यहाँ पर काफ़ी ड्राई होने वाला है ईडन गार्डन्स का, क्योंकि पिछले हमने मुकाबले देखे ईडन गार्डन्स में, जो मुकाबला हुआ था केकेआर के जिस भी टीम के खिलाफ खेली थी रिसेंट पिछला मुकाबला, उसमें स्पिनर्स काफ़ी रोल में आए थे, स्लोअर गेंदबाज काफ़ी रोल में आए थे, बल्कि तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी पिटाई पड़ी थी। और स्पिनर्स यहाँ पर रोल में आ सकते हैं, ड्राई होगा काफ़ी ज़्यादा विकेट, और यहाँ पर दोनों टीमों के स्पिनर्स बहुत अच्छे से रोल प्ले में आ सकते हैं। हाँ, नई गेंद से तेज़ गेंदबाजों को स्विंग मिलेगा, लेकिन जो गेंद है वो होल्ड लेकर आएगी, यानी कि जो है रुक कर भी आ सकती है, और वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो यहाँ पर अगर लेट खेले तो ठीक, अगर जो मतलब तेज़ खेलने की सोचे और गेंद के जो टप्पा पड़ने से पहले ही अपना अर्ली मूवमेंट करे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज शुरुआत में फंस सकता है। बस इतनी मदद होगी तेज़ गेंदबाज के लिए, उसके बाद तो पूरा का पूरा बैटिंग विकेट हो जाएगा ये। और पिच जो है आज मुकाबले दर मुकाबले खेल खेल कर यहाँ पर स्लो भी काफ़ी हो गया। अब बात करते हैं वेदर की, तो वेदर देखिए गर्मी रहेगी, यहाँ पर ड्यू का भी बहुत चांसेस है, सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ड्यू आ जाता है ईडन गार्डन्स में। आउटफील्ड जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ होती है ड्यू के बावजूद भी, पर लेकिन गर्मी रहेगी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी रहेगी, और बारिश की अभी तक तो कोई संभावना नहीं है, और फोरकास्ट में भी कोई संभावना नहीं है, और आएगी भी नहीं, इसकी भी पूरी की पूरी श्योरिटी दी गई है। और पिच रिपोर्ट बता दी, वेदर रिपोर्ट बता दी, अब कुछ खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पिच पे जो है काफ़ी मदद दिलवा सकते हैं अपनी अपनी टीम को, जैसे के के आर के लिए हो सकता है सुयश शर्मा को काफ़ी ज़्यादा होल्ड मिले, क्योंकि पिच पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी होल्ड मिल सकता है, गेंद पकड़ जमा लेती है पिच पर। और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, जो तीन स्पिनर्स हैं, ये तीनों को मिलाकर एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकते हैं। स्पेशली सुयश शर्मा जो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, अगर महेंद्र सिंह धोनी गेंद बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके खिलाफ जो है कारगर हो सकते हैं, जहाँ तक कि अब दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ अगर आप देखें तो तेज़ गेंदबाजी में आकाश सिंह देखने को मिलेंगे, पथी राणा देखने को मिलेंगे, देश पांडे देखने को मिलेंगे। स्पिनर्स में जो है बात करें मोइन अली और महेश थिक्षणा और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने पिछले मुकाबले में SRH के खिलाफ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो उनका रोल और मोइन अली का रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि आप पिच जैसे कि होल्ड ले लेती है गेंदबाजी स्पिनर्स का और थोड़ा रुक के आएगा, स्लो है, तो वहाँ पर महेश तीक्षण को देखना होगा कि वो पावर प्ले में इंट्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते। लेकिन आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, पिच और वेदर कंडीशंस के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।